वो महफिल में मेरे सामने आए बैठे हैं, अपनी मुट्ठी में मेरा दिल छुपाए बैठे हैं। हमने पूछा अजय मुट्ठी में क्या है, बहाना बना दिया मेहंदी लगाए बैठे हैं। जी हाँ, मेहंदी का त्यौहार, सजने का त्यौहार और एक ऐसी खूबसूरती का त्यौहार जो अपने आप में तीज के चांद को भी शर्मा देता है। आज का त्यौहार है तीज का त्यौहार और मेरे साथ हैं आरजे तान्या, यानी कि हेलो यमुनानगर। वैसे हेलो तान्या, सभी को हेलो, आपको भी हेलो आतिश। हेलो, वैसे एक बात बोलूं, आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा, मुझे अब आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। हाँ, क्योंकि आज आपका त्यौहार है, यूं कहें तो हमारा देखने का त्यौहार है, आपका सजने का त्यौहार, सबका त्यौहार है। क्या इस त्योहार की जो मान्यता है, ऐतिहासिकता है, जो पुराणों में है, क्या उसके बारे में आप जानती हैं? हाँ, बहुत हद तक। थोड़ा सा अगर बताएंगी तो अच्छा लगेगा हमें। एक्चुअली दोस्तों, सभी को बताना चाहूंगी कि आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल होता है और तीज का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे देश भारत में। और ये केवल किसी एक राज्य में नहीं बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारे हरियाणा में बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। खास बात ये है कि अगर इसकी प्राचीन मान्यता की बात करूं तो कहा जाता है कि जिस टाइम पर पार्वती माता शिव जी के लिए आराधना कर रही थी, उनके लिए तप कर रही थी, तो काफ़ी टाइम तक उन्हें तपस्या करनी पड़ी। लेकिन ये आज का ही दिन था, तीज का ही त्यौहार था, जिस दिन पहली बार वो माता पार्वती को दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि वो उनसे विवाह करेंगे। तो ये दिन की मान्यता कुछ इसी तरह से है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आरजे तान्या ने हेलो के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई, मुझे मालूम है। वैसे अब मुझे ये बताओ कि आज के दिन में मेहंदी का क्या महत्व रहता है? तुमने बहुत प्यारी और बहुत सिंपल मेहंदी लगाई है, दिखा दो। हाँ, सिंपल सी है, लेकिन एक्चुअली एज अ गर्ल्स आप ट्रेंड भी देखते हैं तो लड़कियां थोड़ी थोड़ी ही लगाती है मेहंदी। ऐसे में मैरिज के बाद इतनी सारी पूरी भर भर के मेहंदी लगाई जाती है। वो किसी लगाई जाती है? बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, ऐसे तो हम लड़कियों को या फिर महिलाओं को मौका चाहिए कि कब हमें सजने संवरने का मौका मिले, बस मौका मिलना चाहिए और हम रेडी हो लेते हैं। और लेकिन अगर इसकी मान्यता की भी बात करूं तो कहा जाता है कि इस दिन में जिसका नाम हथेली पर लिखा जाता है मेहंदी के जरिए, उसकी उम्र लंबी होती है। और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो अगर दिल में ये बात रख के मेहंदी लगाएंगी तो उनके जो फ्यूचर वाले हस्बैंड हैं उनकी जो आयु है वो लंबी होगी। जैसे कि हाथ की लकीरें होती है ना, वैसे हाथ की लकीरों में जो किस्मत होती है उसी तरह से मेहंदी लगाई जाती है कि आपकी किस्मत जो है हमेशा अच्छी बनी रहे, आपको एक बहुत अच्छा सा हस्बैंड मिले। जी हाँ, और वैसे सच कहें तो जिस प्रकार से सुहागनी स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उसी प्रकार से ये मेहंदी है जो भाग्य की रेखाओं में यानी कि पति की लंबी की उम्र के लिए एक लिख दी जाती है। अब मुझे ये बताओ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को गेटअप किया है और आज आपने जो शो किया वो भी बहुत बम्बेस्टिक था, हार्डकर था और बहुत सारे व्यूअर्स आए, उन्होंने आपसे बातें की। तो मुझे ये बताओ कि इस त्योहार पर, तीज पर खास किस चीज का महत्व होता है, कि क्या महिलाओं का अपने पति के प्रति जो शादीशुदा हैं उनका क्या रोल रहता है, क्या वो कामना करती हैं? भाई जो कामना है वो तो हमेशा एक अच्छे के लिए ही होती है, लंबी उम्र के लिए होती है। लेकिन खास बात ये है कि आज के दिनों में उन बातों से हटकर भी बहुत सारी बातें और भी हैं जो मैं बताना चाहूँगी आपको। एक्चुअली जो आज का दिन है, आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ होता है वो तो है झूलों का। वाह, मतलब झूले मिले, झूला जाए। और एक्चुअली भारतीय संस्कृति में जो इस तरह की चीज़ें थीं जो कहीं हम पहले यूज़ करते थे, झूले झूलते थे, वो खत्म होती जा रही है। लेकिन तीज जैसा त्यौहार एक बार फिर से हमें याद दिलाता है उन्हीं झूलों का जो सावन में होते थे। और साथ ही साथ जैसे कि इसे तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों तरफ इस टाइम पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है और जो ग्रीनरी होती है वो इतनी खूबसूरत होती है जब उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश अभी भी चल रही है तो हल्की हल्की जो बूंदें होती हैं जिस टाइम पर हरियाली पर पड़ती है इतनी खूबसूरत लगती है कि बस दिल खुश हो जाता है। और ये हरियाली तीज जो है ये सच में ही बहुत खूबसूरत सा त्यौहार है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी फैमिली में आपकी मॉम जो
सुबह उनका क्या रहा, सुबह का कैसा उनका माहौल रहा, उन्होंने उठकर क्या सबसे पहले क्या किया, उसके बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ कि आपने सुबह उठकर क्या किया। एक्चुअली मेरी मम्मी हमेशा से ही तीज पर फास्ट रखती हैं और वो एक निर्जला फास्ट रखती हैं। आज के दिन वो पानी भी नहीं पीती और सुबह उठकर वो सबसे पहले घर की सफाई करती हैं, खुद सफाई करती हैं ऑब्वियसली उस दिन खास करके, और उसके बाद अच्छे से गेटअप होती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है कि फटाफट से आज के दिन एक ऐसा गेटअप लिया जाए जो ट्रेडिशनल हो। आज ट्रेडिशनल पहनने का मौका मिलता है हमें और कोई ये भी नहीं कहेगा भाई इतना भारी सूट कैसे पहन लिया, इतनी भारी साड़ियाँ कैसे पहन ली, सबको पता है मौका भी है दस्तूर भी है, तो लेट्स ट्राई। और बाकी ही आरजे तानिया ने तीज के त्यौहार पर चांद लगा दिए, उन्होंने सितारों से चमक पूरे त्यौहार के लिए बिखेर दी। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, आप जितनी भी महिलाएं हैं जो यस टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हमें सुनती हैं देखती हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी आज के इस कार्यक्रम के लिए? भाई संदेश आपके लिए, अभी संदेश में क्या दूँ, यही कहना चाहूँगी कि आज का दिन है बहुत अच्छे से मनाएं। और एक्चुअली जितने भी हमारे त्यौहार हैं, कोई भी त्यौहार भारतीय संस्कृति में हमारे जो भी धर्म हैं उनके अंदर, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे कोई भी धर्म है, सब में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो यूं ही नहीं मनाए जाते, उनके पीछे बहुत बड़ा महत्व होता है और महत्व के साथ साथ कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न भी ज़रूर होता है। तो भाई हर एक त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, अगर आप ज़्यादा परंपराओं को नहीं मानते तो कम से कम हर एक जो त्यौहार है उसको साइंटिफिक रीज़न के साथ जोड़ कर देखिए। अगर आप ये जोड़ने लगेंगे ना तो सच में हमारी संस्कृति में जो ये त्यौहार इतने अच्छे से मनाए जाते हैं और भी इंजॉय कर पाएंगे और भी जानेंगे इन्हें और हमारी संस्कृति की थोड़ा सा और करीब आएंगे। जी हाँ, चलिए संस्कृति की बात तो आरजे तानिया ने कर दी, वैसे जेंट्स की जेब भी कट जाती है क्योंकि भाई महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगी महंगी ड्रेस, जैसे कि आरजे तानिया ने अच्छा बहुत महंगी वाली ड्रेस पहन रखी है और ऐसी ड्रेस आपको भी आज दिलवानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आज नहीं, तैयारी पहले ही हो चुकी है। अच्छा, तैयारी पहले ही हो चुकी है, देखिए ये तो पहले ही जेब कट चुकी है, लेकिन आज आपको खाना खुद बनाना है और जिन्होंने उपवास रखा है उनके व्रत को खोलते समय बड़े प्यार से उन्हें कहना है कि हैप्पी तीज। भाई हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी तीज, ऐसे ही इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए और जब झूला झूले ना तो एक बार हमें याद जरूर कर लीजिएगा। एक मिनट, झूला झूलते हुए हाँ वो डाल का ध्यान रखें, कहीं कच्ची ना हो, धड़ाम से गिर ना जाए। लेकिन एक और संदेश बनता है बॉस कि आप पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ होंगे डाल होगी, डाल होगी झूले होंगे, झूले होंगे त्योहार होंगे और हम हमेशा आपके संग बतियाएंगे। आरजे तानिया और आरजे वातिश की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी तीज। नमस्कार।